हम देख रहे लेक्चर थर्ड, केमिकल्स, एंजाइम और अदरबायोटिक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल कैसे प्रिपेयर होंगे, कौन से माइक्रोब्स हैं कि जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो लेक्चर टू में हमने ऑलरेडी देख चुके थे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एंटीबायोटिक्स। यहाँ पर हम देखेंगे कौन से माइक्रोब है जो एंजाइम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमको पता है एंजाइम्स क्या होते हैं, दीज आर बायो कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड विदाउट गेटिंग यूज इट सेल्फ, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो नियर अबाउट हार्डली 1 to 1.5% ऑफ द टोटल नॉन एंजाइम ये इंडस्ट्री और मेडिसिन में यूज किए जाते हैं। हार्डली नियर अबाउट 1 to 1.5% ऑफ द टोटल नॉन एंजाइम, टोटल नॉन एंजाइम जितने एंजाइम हमको पता है उसमें से ये कहाँ पर एम्प्लॉय किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं एक तो मेडिसिन एंड इंडस्ट्री में 1 to 1.5%। तो वन बाय वन हम वो एंजाइम देखेंगे। सबसे पहले देखना है हमको पेक्टिनेस। तो देखिए पेक्टिनेस कहाँ पर वो होता है, ये मतलब अगर पेक्टिनेस को देखा जाए तो ये ऑप्टेन होता है फंगस से, जो कि कहाँ पर वो हो गया, पेक्टिन कंटेनिंग मीडियम। तो क्या बोलेंगे हम पेक्टिनेस में, दे ऑप्टेन फ्रॉम द फंगा विच ग्रोन ऑन द पेक्टिन कंटेनिंग मीडियम। सो ऑप्टेन फ्रॉम फंगा ग्रोन ऑन मीडियम कंटेनिंग पेक्टिन। एग्जाम्पल देखे तो ये भी है, देखिए ये भी कहता है एस्परजिलस नाइगर, ये भी माइक्रोब यहाँ पर काम करता है एस्परजिलस नाइगर। उसके बाद ये एक है बैसोक्लैमस CHY फ्लूओ फ्लूओ, तो इसके लिए काम करता है। और इनको कहाँ पर यूज करेंगे, दे आर यूज इन द एनर्जी द जूस एक्सट्रैक्शन, जूस एक्सट्रैक्शन और क्लियरिंग ऑफ जूसेस इसके लिए काम करता है। तो इनके नाम याद रखिए, यहाँ पर इनके यूजेस क्या है, तो यूज्ड इन कहाँ पर काम करता है, यूज्ड इन एनहांसिंग जूस एक्सट्रैक्शन, जूस एक्सट्रैक्शन एंड क्लियरिंग ऑफ जूसेस। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्लियरिंग ऑफ जूसेस मतलब कोई ग्लास होता है तो हमको पता है उसके जो फाइबर होते हैं जूस के वो चिपक जाते हैं, तो उनके फाइबर क्लीनिंग को मतलब उनके जो फाइबर है तो उनको क्लियर करने के लिए इसको यूज किया जाता है, क्लियरिंग ऑफ जूसेस। तो उसके बाद नंबर टू एंजाइम है पेक्टिनेस, ये पेक्टिनेस हो गया सॉरी प्रोटीएस, प्रोटीएस नाम पी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसलिए प्रोटीएस हमको पता है कि ये प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम होता है वो हमको पता है, तो वैसे ये नाम है प्रोटीएस कि जो ऑप्टेन होता है नियर अबाउट किससे, मॉर्टिसेल्ला रेस्पिरिन इससे प्रोड्यूस होगा ये। तो दीज आर ऑप्टेन फ्रॉम कहाँ से प्रोड्यूस होगा ये, ऑप्टेन फ्रॉम इस माइक्रोब का नाम लिखता हूँ याद रखिएगा मॉर्टिरेला रेस्पोरा, ये नाम है। उसके बाद देखिए एस्परजिलस से भी प्रोड्यूस होता है, बैसिलस से भी प्रोड्यूस होगा, एस्परजिलस एंड बैसिलस स्पेसिस, बैसिलस स्पेसिस। और कहाँ पर यूज करते, तो इसको डिटर्जेंट में यूज किया जाता है प्रोटीज को, क्योंकि ये नाम से समझ में आ रहा है, देखिए प्रोटीलाइटिक एंजाइम होगा तो अगर प्रोटीन के कुछ स्टेन हो गए या प्रोटीन कंटेनिंग मटेरियल अगर कहीं पर गिरता होगा और उसको क्लियर करना है तो इसको यूज करते हैं। तो कहाँ पर यूज करेंगे, इट इज यूज इन डिटर्जेंट, यूज इन डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स टू रिमूव प्रोटीनासियस, प्रोटीनासियस स्पॉट, या तो जो बॉटल जूसेस है, देखिए बॉटल जूसेस आर इनको भी क्लैरिफाई करने के लिए इनको यूज किया जाता है, दोनों को यूज किया जाता है वैसे, प्रोटीन पेक्टिनेस को भी और प्रोटीज को भी। बॉटल जूसेस आर क्लैरिफाइड, क्लैरिफाइड बाय यूजिंग बोथ, ये दोनों को भी यूज किया जाएगा, प्रोटीएस को भी और पेक्टिनेस को भी, प्रोटीएस एंड पेक्टिनेस बोथ इन दोनों का भी रोल है यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों भी क्लियरिंग ऑफ जूसेस के लिए काम करता है। अब थर्ड अगर एंजाइम देखेंगे तो वो है अमाइलेस,
थर्ड एंजाइम इज अमाइलेज, यहां पर नाम लिखता हूं थर्ड एंजाइम इज अमाइलेज। नाम सुना होगा इसका अमाइलेज, अमाइलेज को टाइलिन भी बोलते हैं तो पता है। तो ये किसके लिए काम करता है, मेनली अमाइलेज डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, उसके ऊपर इसकी एक्शन होती है। और अमाइलेज किससे मिलेगा, ये भी मिलता है एस्परजिलस से, राइजोपस स्पीसीज से, बैसिलस स्पीसीज से। तो ये याद रखें, ये क्या करता है, इट विल डिग्रेड स्टार्च। और कौन से माइक्रोब से प्रोड्यूस हो सकता है ये, एस्परजिलस, उसके बाद बैसिलस, राइजोपस स्पीसीज। तो ये जो है ये अमाइलेज प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है ये माइक्रोब। तो उसके बाद कुछ और भी यानी कि इसके डेरिवेटिव्स है, ये देखिए ये जैसे अमाइलेजेस है, अमाइलेजेस, उसके बाद ग्लूको अमाइलेजेस एंड ग्लूको आइसोमेरेजेस, ग्लूको आइसोमेरेजेस। तो इनको एम्प्लॉय किया जाता है कन्वर्शन ऑफ कॉर्न स्टार्च इनटू द फ्रुक्टोज रिच कॉर्न स्टार्च। तो ये इनका काम क्या रहेगा, ये कन्वर्ट कर सकता है, दे विल हेल्प। देन ग्लूको अमाइलेज और ग्लूको आइसोमेरेजेस, इनको यूज किया जाता है फॉर द कन्वर्शन ऑफ, फॉर द कन्वर्शन ऑफ किसका कन्वर्शन करेंगे, ये जो कॉर्न स्टार्च है उसका इस कन्वर्शन ये करता है इनटू द फ्रुक्टोज रिच कॉर्न सिरप, फ्रुक्टोज रिच कॉर्न सिरप। तो इसमें ये कन्वर्शन करेंगे। द मेन रोल ऑफ दिस अमाइलेज, ग्लूकोस अमाइलेज, ग्लूको अमाइलेज बोलेंगे, ग्लूको आइसोमेरेज, दे हेल्प इन द कन्वर्शन ऑफ कॉर्न स्टार्च इनटू द फ्रुक्टोज कॉर्न स्टार्च, कॉर्न सिरप। तो इसके अंदर इनका एप्लीकेशन, तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए और एक एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस का रोल देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए फोर्थ एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, दिस इज वेरी इसेंशियल एंजाइम। इसको टीपीए भी कहा जाता है, टीपीए मीन्स टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो ये रहेगा, तो दिस एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम द कल्चर ऑफ सम हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोका, हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोका, इससे ये प्रोड्यूस करना था हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोका। तो ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है इसकी एक्शन जो रहती है वो फाइब्रिनोलाइटिक रहती है, मतलब जो फाइबर्स होते हैं उसको ये ब्रेक कर सकता है। तो जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं हार्ट पेशेंट में उसको डिसॉल्व करने के लिए काम करता है, बींग इट हैज फाइब्रिनोलाइटिक इफेक्ट, फाइब्रिनोलाइटिक इफेक्ट। तो ये क्या करेगा, ये डिसॉल्व करेगा ब्लड क्लॉट को, इट विल डिसॉल्व ब्लड क्लॉट्स, ये ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करेगा, इट विल डिसॉल्व, यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ ये वर्ड डिसॉल्व ब्लड क्लॉट। तो ये ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करेगा किसके अंदर, इन हार्ट पेशेंट, इन हार्ट पेशेंट। तो ये याद रखिए, ये इसका एक्शन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और एक केमिकल है जिसको हम यूज कर सकते हैं, साइक्लोस्पोर ए, ये भी बहुत इसेंशियल है, इसका नाम याद रखिए साइक्लोस्पोरिन ए, दिस केमिकल। तो देखिए, तो इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये नियर अबाउट 11 मेंबर्ड साइक्लिक ऑलिगोपेप्टाइड रहता है जो ऑप्टेन होता है बाय फर्मेंटेटिव एक्टिविटी ऑफ फंगस, और इस फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। तो उससे ये प्रोड्यूस होता है। इसका केमिकल नेचर पहले याद रखिए कि ये 11 मेंबर्ड साइक्लिक ऑलिगोपेप्टाइड, साइक्लिक ओलिगोपेप्टाइड, पेप्टाइड मतलब समझ में आ गया, CONH ग्रुप रहेगा इसके अंदर, ऑलिगोपेप्टाइड, और किससे प्रोड्यूस हो रहा है, इस फंगस से, फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, पॉलिस्पोरम इससे। तो इसके अगर फंक्शन देखें ये साइक्लोस्पोरिन का, तो इसका एक्टिविटी अगर देखें तो ये रहता है एंटी फंगल केमिकल, दिस इज एंटी फंगल मीन्स फंगस के अपोजिट एक्शन करता है। फंगाई की कहाँ पर ग्रोथ हो रही है तो वहाँ पर साइक्लोस्पोरिन ए को यूज़ किया जाता है, आगे मैं फोटो दिखाऊंगा आपको इसके। तो ये एंटी फंगल है, उसके बाद ये एंटी इन्फ्लामेटरी का भी काम करता है, दिस इज एंटी
inflammatory. It's anti-inflammatory properties. और एक इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन देखिए, ये फंक्शन याद रखिए, इसको मेनली इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की जगह काम किया जाता है. इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट कब? जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, ड्यूरिंग 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 ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तो तब इसको यूज किया जाता है. तो अब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मतलब क्या है? देखो ये पर्सन है, इसके सपोज किडनी डैमेज हो गई और इसको न्यू किडनी देनी है, मतलब बाहर से एक पेशेंट है, दूसरा ये, इसकी डेथ हो गई, इसकी किडनी निकाल के, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ये बी पर्सन की डेथ हो गई, इसकी किडनी इसको बिठाना है, ठीक है. तो ये जो डेड बॉडी, इसको कहा जाता है कैडवियर, कैडवियर. तो कैडवियर से मोस्टली किडनी दिया जाता है जो पर्सन को इन्फेक्शन हुआ उसको. पर ये देते हुए प्रॉब्लम क्या है कि अगर बाहर से ये किडनी इसके अंदर अगर दी गई, तो इसके अंदर की बॉडी वो बींग फॉरेन ऑर्गन है, बाहर से आया, इसके बॉडी के लिए आया, पर इसको इसके अंदर के जो इम्यून सेल है उनको पता नहीं, तो वो अटैक करना स्टार्ट करते. तो वो अटैक ना करे इसके लिए क्या करते हैं, ये साइक्लोस्पोरिन ए इंट्रोड्यूस करेंगे इस पर्सन के अंदर. अब क्या होगा, ये इंट्रोड्यूस करने के बाद इसके अंदर के जो इम्यून सेल है, जो बाहर से कोई भी फॉरेन ऑर्गन इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं, तो उनको क्या करेगा वो, यानी कि जब इसका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो चुका है, तो टेम्परली इसके जो इम्यून सेल्स है वो अटैक नहीं करेंगे उस फॉरेन ऑर्गन के बाद उसके ऊपर. और फिर कुछ टाइम के बाद जब उनको समझ में आता है कि ये ऑर्गन हार्मफुल नहीं है, हमारे लिए यूजफुल है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तब वो उसके साथ वर्क कर सकते हैं. पर डायरेक्टली अगर बाहर से कोई भी ऑर्गन इंट्रोड्यूस किया, फिर हमारे इम्यून सेल उसको अटैक करेंगे, हो सकता है ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट हुआ वो रिजेक्ट भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए साइक्लोस्पोरिन ए को यूज़ किया जाता है. तो इसलिए इसका नाम सभी याद रखें, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्रोड्यूस करते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट का काम करेगा ये, तो ये याद रखिए. उसके बाद और एक केमिकल है जिसका नाम है स्टैटिन. नेक्स्ट वन इज स्टैटिन. स्टैटिन, स्टैटिन कहेंगे इसको. तो देखिए ये जो स्टैटिन है, अब ये भी केमिकल इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रोड्यूस होता है फर्मेंटेशन एक्टिविटी ऑफ वन माइक्रोब जिसका नाम है मोनोएस्कस पुरपुरियंस, प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेटिव एक्टिविटी ऑफ एक्टिविटी ऑफ, इस माइक्रोब का नाम याद रखिए मोनोएस्कस पुरपुरियंस. तो ये रिजेंबल करता है, देखिए मैलोनेट, ये नाम आपने सुना होगा बायो मॉलिक्यूल में, दिस ये जो दिख रहा है हमको, ये विच रिजेंबल, रिजेंबल मतलब सिमिलरिटी दिखाएगा, रिजेंबल्स मेलावोनेट, ये केमिकल का नाम सुना होगा आपने, मेलावोनेट इस, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है. ये हुआ है देखिए आपको, बायो मॉलिक्यूल एक टॉपिक आता है क्लास 11 में, तो वहाँ पर हुआ होगा, इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथिल ग्लूटारिल COA. तो इसके ऊपर ये एक्शन करेगा, रिडक्टेस, रिडक्टेस, और ये भी एक है देखिए HMG-CoA रिडक्टेस, तो इसके अंदर. तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये कॉम्पिटेटिवली इनिबिट करता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है एज अ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, जो बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाने, कम करने के लिए ये काम करता है. तो इट विल एक्ट कॉम्पिटेटिवली, कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट, क्या इनहिबिट करता है ये, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, तो ये इसका फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, इसलिए इसको कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कहा जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, लोअरिंग एजेंट. तो ये नाम याद रखना. अब मैं वन बाय वन आपको स्लाइड से दिखा सकता हूँ कि ये कैसे दिखते हैं केमिकल, देखिए. तो ये सब अभी हमने देखा, यहाँ पर अल्कोहल मैंने बोला, ये किससे प्रोड्यूस होगा, साइक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसका नाम बोला था मैं कल, ये हो चुका है हमारा.
उसके बाद एंजाइम में देखे हमने लाइपेस, लाइपेस नाम से समझ में आता है देखो, जो लिपिड के ऊपर एक्ट करता है, यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, हेल्प टू रिमूव ऑयली एंड ग्रीसी स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। स्टेन मतलब कलर के डाग, जो यहाँ पर दिख रहे, देखिए ये फोटो में आपको दिख रहा है, तो ये है डिटर्जेंट पाउडर, जो ये ग्रीन कलर का स्पून दिख रहा है, तो ये ऐसा डिटर्जेंट बनाने में यूज़ करेंगे। ये अल्कोहल हो गया। अब इसके बाद देखिए पेक्टिनेस एंड प्रोटीज टू क्लैरिफाई बॉटल जूसेस, और कौन से माइक्रोब्रेंगे वो मैंने बोला है, देखिए देख ये आपको पता है वो जूस की बॉटल आती है ट्रापिका ना ट्रॉपिका कुछ बोलते, देखिए तो वो जूस जो है वो उसको चिपकना नहीं ग्लास को साइड को, इसके लिए इनको यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेस, अभी मैंने बोला आपको स्ट्रेप्टोकॉकस से प्रोड्यूस होगा जिसको क्लॉट ब्लस्टर बोलकर यूज करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये क्लॉट दिखाई दे रहा है, इस क्लॉट को डिजॉल्व करने के लिए यूज करते हैं इस स्ट्रेप्टोकाइनस को, और किससे प्रोड्यूस होता है अभी मैंने बोला है। और ऐसे पेशेंट में, हार्ट पेशेंट में जिनके अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग चेस्ट पेन होता है, तो इस माइक्रोब से प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रेप्टोकॉकस, जो बंच ऑफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर था वो। अब ये देखिए ये केमिकल के नाम बोले साइक्लोस्पोरिन, मैंने बोला था आपको दिखाऊंगा स्लाइड में, ये देखिए साइक्लोस्पोरिन है, ये भी साइक्लोस्पोरिन, तो ये कहाँ किससे प्रोड्यूस हो रहा है, इस फंगस से, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्मा। और इसके फंक्शन मैंने बोला कि ये कैसा रहेगा, ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, दिस इज एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन नहीं होगा, इन्फ्लामेशन का मीनिंग क्या होता है, रेड हॉट स्वेलिंग और पेन, ये फोर थिंग्स होते हैं तो उसको कहा जाता है इन्फ्लामेशन, रेड हॉट स्वेलिंग पेन, तो ये याद रखिए। अपने कुछ मार लगा कुछ हुआ तो ये सब होता है, रेड होता है, हॉट होता है, स्वेलिंग होती है और पेन होती है, तो वो कम करने के लिए साइक्लोस्पोरिन को यूज़ करते हैं, या तो ये एंटी फंगल भी है, फंगस की वजह से अगर हमको इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट भी इसको यूज़ किया जाता है। प्रोड्यूस होगा ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्मम, इम्यूनो सप्रेसिटी सप्रेसिव एजेंट भी है, मीनिंग मैंने बोला आपको स्टैटिन का नाम याद रखिए, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल ये कम करेगा, एंड इनहिबिट द सिंथिस ऑफ, इनहिबिट द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो इसके लिए कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का काम करेगा। यहाँ पर स्टैटिन का फोटोग्राफ लगा है, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये फोटो दिखाई दे रहा है, और ये है माइक्रो मोनोआस्कस पुरपुरियंस, तो इसको यूज किया जाता है, तो देखिए नेक्स्ट। अब हमको देखने का माइक्रोबसिन सीवेज ट्रीटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोब का रोल क्या है सीवेज ट्रीटमेंट में, जो मतलब वेस्ट प्रोड्यूस होता है फ्रॉम बाय ह्यूमन बींग्स, तो वो कैसे उसको माइक्रोब ट्रीट करेंगे, तो वही देखने का है। देखिए तो सीवेज का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए सीवेज, सीवेज किसको बोलते हैं, दिस इज अ कलेक्टिव नाउन यूज टू रिप्रेजेंट म्यूनिसिपल वेस्ट, जो म्यूनिसिपल वेस्ट होगा उसको कहा जाएगा सीवेज, और वो दोनों फॉर्म में हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, तो इसको कहा जाएगा सीवेज, जो जनरेट होता है सिटीज और टाउन और कैरिड ऑफ इन सीवेज, तो इसके अंदर क्या रहता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर रहेगा, वेस्ट रहता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटा दोनों भी रहेगा इस सीवेज में, ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा मतलब वेस्ट मैटर उनका, तो ये रहेगा, तो माइक्रोब एंड एवरीथिंग जो एंटर होता है इस सीवेज सिस्टम में आएगा, तो सीवेज और म्यूनसिपल वेस्ट शुड नॉट पास डायरेक्टली इनटू द रिवर, क्योंकि अगर ऐसा डायरेक्ट पास हुआ तो इनके अंदर वराइटी ऑफ हार्मफुल पैथोजन होता है कि जो उस रिवर को खराब कर सकता है, तो इनके अंदर नॉट ओनली ह्यूमन एक्सीटर रहेगा पर अदर ऑर्गेनिक वेस्ट भी रहते हैं और नंबर ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब रहते हैं, तो इसलिए इनको ट्रीट करना पड़ता है, इनको लेस हार्मफुल बनाना पड़ेगा या तो पूरी तरह से हार्म लेस बनाना पड़ेगा, और उसके बाद हम वाटर बॉडी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसलिए तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब्स विच आर नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज, तो इसके अंदर वेरियस प्रोसेसेस होंगे लाइक प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी प्रोसेस, तो ये वन बाय वन हमको यहाँ पर प्रोसेस देखना है, ये जो सीवेज ट्रीटमेंट होगा ये तीनों प्रोसेस से होगा, तो ये याद रखना, थ्री प्रोसेस होंगे सीवेज को ट्रीट करने के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, तो सबसे पहले होता है प्राइमरी प्रोसेस, प्राइमरी प्रोसेस या इसको हम बोलेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, या इसको बोलेंगे हम फिजिकल प्रोसेस,
फिजिकल प्रोसेस। अब क्या होता है, देखो फिजिकल प्रोसेस में रिमूव होता है लार्ज और स्मॉल पार्टिकल जो सीवेज में रहेंगे थ्रू सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन। आगे मैं स्लाइड में बताऊंगा ये कैसे होता है, या तो देखिए क्योंकि ये हर सिटी में यहाँ पर लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर डायरेक्टली वाटर में सीवेज अगर थ्रो किया जाएगा, डाला जाएगा, तो ये बहुत हार्मफुल कंडीशन है। इसलिए गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट हुआ था 1986 कह रहा हूँ। तो देखिए ये जो सीवेज म्यूनसिपल वेस्ट है इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ का ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, माइक्रोब्स रहेंगे, तो इसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो इसके अंदर मेनली थ्री स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर टू बोला बट एक्चुअल में थ्री स्टेप होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो देखिए वन बाय वन बोलता हूँ। प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसको बोला जाएगा फिजिकल प्रोसेस, जिसके अंदर हम क्या करें, सेडिमेंटेशन या सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पर। तो देखिए इट इज द फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल इंक्लूड द रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्रिस बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। अब देखिए ये ग्रिड चैम्बर है, ग्रिड का मीनिंग क्या होता है वो आप रेलवे ट्रैक पे देखते हैं। देखिए तो ऐसे जो रेलवे ट्रैक होता है ना, तो रेलवे ट्रैक के नीचे क्या रहता है, ग्रिड, मतलब गिट्टी, क्योंकि ये वो ट्रैक को सपोर्ट करता है। पर इसका फायदा एक ये भी है कि जो ट्रेन है उसके अंदर का जो वेस्ट, मतलब जो ह्यूमन बींग का एक्सीडेंट है, वो जब नीचे फॉल होगा इस ट्रैक पर, तो नीचे वाटर जाता है और ऊपर जो सॉलिड थिंग है वो ऊपर ही रहती है और फिर बाद में डीकम्पोज हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया वाला, ग्रिड से एक बेड बनाता है जिसके अंदर से वाटर को पास करेंगे। तो वाटर को पास करते वक्त सॉलिड इम्प्योरिटीज एक जगह रह जाएगी और वाटर आगे जाएगा। तो वैसे यहाँ पर किया गया, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो आपको ग्रिट दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे फिल्ट्रेशन करेंगे, ये ग्रिट लगाए, तो इस जब वाटर के अंदर के सॉलिड इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पर आएंगे, जो वाटर है ऑनली वाटर वो आगे फ्लो होगा ऐसे। तो ऐसे वो रिवर में भी देखिए जहाँ पर रेती ज़्यादा होती है आगे पानी फिल्टर होकर जाता है, सॉलिड इम्प्योरिटी एक साइड को रह जाएगी। तो वैसे तो सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होगा सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मीनिंग होता है हेवियर पार्टिकल गेट सेटल एट बॉटम। ये हेवियर पार्टिकल जो दिख रहा है आपको, ये सब ये यहाँ पर सेटल हो जाएंगे बॉटम में और आगे ऑनली क्या जाएगा, वाटर ऑनली। तो ये होगा और सेटल्ड सॉलिड इम्प्योरिटीज फॉर्म द प्राइमरी स्लज एंड सुपर नाइट्रन। सुपर नाइट्रन मतलब क्या, जो नीचे चीज गई वाली है इसको कहा जाता है सेडिमेंट। दिस इज सेडिमेंट, हेवियर पार्टिकल जो नीचे सेटल हो गए उनको कहा जाता है सेडिमेंट और प्रोसेस को कहा जाता है सेडिमेंटेशन। और जो लाइटर वेट का है वो वाटर के साथ ऊपर फ्लोट हो रहा या वाटर है जो ऊपर फ्लोट होकर जा रहा है उसको कहा जाएगा सुपर नाइट्रेंट। सुपर नाइट्रेंट मतलब जो लाइटिंग वेट रहता है ऊपर के साइड को रहेगा। तो ये उसके बाद देखिए इसके अंदर क्या होता है, फ्लोटिंग इनिशियली द फ्लोटिंग डेब्रिस आर रिमूव्ड बाय द सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, देन ग्रिट मीन्स सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। तो ये दोनों याद रखिए, क्या बोला मैंने यहाँ पर, ये जो फ्लोटिंग डेब्रिस है तो ये सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से और सॉइल और स्मॉल पेबल सेडिमेंटेशन से रिमूव होंगे। उसके बाद जो सीवेज है वो फर्स्ट शेडेड और चर्न होगा, उसके बाद वो पास होगा मेनी स्क्रीन्स और स्कीमर्स टू रिमूव द लार्ज पीसेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और सीवेज उसके बाद पास होगा लार्ज प्राइमरी सेटलिंग टैंक जहाँ पर जेंटल स्लोप होगा, ग्रिट, सैंड एंड अदर हीवी पार्टिकल वहाँ पर सेटल डाउन होंगे। तो ऑल सॉलिड जो है वो सेडिमेंटेशन में जाएगा, स्क्रीन होगा ऑर्गेनिक मैटर कलेक्टिवली और उससे प्रोड्यूस होगा प्राइमरी स्लज। तो ये याद रखिए जो सेटल्ड सॉलिड रहेंगे उससे बनेगा ये प्राइमरी स्लज। और प्राइमरी स्लज यूज फॉर प्रिपेयरिंग द कंपोस्ट और मैन्यूअर, इसके लिए काम करता है, यूज फॉर प्रिपेयरिंग कंपोस्ट और मैन्यूअर इसके लिए काम को आएगा। और या इसको डायरेक्टली बर्न भी करना आता है, इट कैन ऑल्सो बर्न डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली बर्न भी करना आएगा। तो ये होगा जो वेस्ट वाटर है प्राइमरी इफ्लुएंट, उसको आफ्टर रिमूविंग प्राइमरी स्लज इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर रहेगा जो पास होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। अब देखिए यहाँ पर है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट यहाँ पर हम माइक्रोब को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, माइक्रोब को यूज़ करना। यहाँ पर दिख रहा है देखिए एरिएशन टैंक, ये जो दिखाई दे रहा है आपको एरिएशन टैंक, एरिएशन मतलब ऑक्सीजन इसके अंदर मिक्स होना चाहिए। इसके लिए क्या होता है स्टरिंग, जैसे हम घर पे खाना बनाते हैं उसके अंदर वो ये करता है स्टरिंग, तो उसके वजह से ऑक्सीजन भी ऐड होता है और वो कोआगुलेट नहीं होता। तो वैसे अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इन्वॉल्व्स व्हाट हैपन इन दिस केस,
So it involves the process of biological, microbial, biological process, being the microbes are involved and they are going to decompose that sewage. So there involved three main methods. Use of oxidation tank, what is going to happen here, three steps men are going to follow. These three main methods are there, three methods. यहाँ पर नाम लिखता हूँ, three methods. इसके अंदर रहेगा oxidation tank, oxidation tank. उसके बाद trickling filter. इसका figure दिखाऊंगा मैं आगे, trickling filter, filter, trickling filter. और उसके बाद activated sludge, activated sludge. ये तीनों को use किया जाता है. तो एक्टिवेटेड स्लश मेथड में क्या होगा कि इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज पास टू द एरिएशन टैंक एंड एजिटेटेड मैकेनिकली. तो ये याद रखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक का जो एक्टिवेटेड स्लश था वो यहाँ पर पास किया. पास करने के बाद इस एरिएशन टैंक में क्या होगा, वहाँ पर एरिएशन मतलब स्टरिंग होगा एंड एयर इज पम्प्ड टू द इफ्लुएंट. ये जो है वो इफ्लुएंट है. इफ्लुएंट का मीनिंग होता है वाटर पोल्यूटेंट. वाटर के अंदर जो पोल्यूटेंट है उसको कहा जाता है इफ्लुएंट. तो एरिएशन करने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर एरोबिक माइक्रोब ग्रो हो गए. एयर इज पम्प्ड इनटू द इन्फ्लुएंट एंड कंटेन द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म. इसके अंदर एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म लार्ज अमाउंट बनेंगे जो ऑक्सीजन का यूज करेंगे. और इसके अंदर का ये जो इन्फ्लुएंट है वाटर के अंदर का, उनको ये डीकम्पोज करेंगे और उनको कन्वर्ट करेंगे वो फ्लॉक्स में. यहाँ पर फ्लॉक्स दिख रहे, देखिए आपको फ्लॉक मीन्स लाइक मैशेस. वो जैसा हमारा जो बाथरूम होता है उसके अंदर जब हम नहाते हैं तो हमारे अगर हेयर्स ऐसे फॉल होकर वो नीचे एक नेट रहता है, देखिए जहाँ से वाटर नीचे जाता है, तो वहाँ पर हेयर्स और धूल ये कॉगलेट हो गए तो मेश लाइक स्ट्रक्चर तैयार होता है. वैसे ही यहाँ पर भी होगा, तो जिसको कहा जाता है मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट. ये रहेगा, ये दोनों वर्ड याद रखिए, बैक्टीरिया और फंगल, इन दोनों से ये प्रोड्यूस हो रहा है मेश. हाँ, बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगस. सो द बीओडी ऑफ इफ्लुएंट राइजेस इनिशियली एंड the treatment will continues. BOD is decreased to a level and it is taken to a settling tank where flocks undergo sedimentation. फिर बाद में इसको sedimentation के लिए आगे भेजा जाए. और जो sedimentation मिलेगा, जो sediment मिल रहा है उस sediment को कहा जाएगा activated sludge, जिसको as a inoculant बोलकर use किया जाता है secondary treatment के लिए. और supernatant क्या होगा, आगे पास करूँगा. क्या क्या समझ में आ रहा है, जो water पास हुआ यहाँ पर कहाँ से, प्राइमरी जो ट्रीटमेंट था उसके बाद जो वाटर आया उसके अंदर क्या किया हमने, एरोबिक वहाँ पर एरिएशन किया है. तो एरिएशन करने की वजह से एरोबिक माइक्रोब यहाँ पर एक्ट करेंगे, वाटर के अंदर का जो इफ्लुएंट है उसके साथ बैक्टीरिया एक्शन करेगा, बैक्टीरियल और फंगल वहाँ पर मेश लाइक स्ट्रक्चर तैयार होगा, जो सॉलिड रहेंगे नीचे जाएंगे और जो जिसका वेट कम है वाटर है ऑनली वो क्या होगा, लाइट इन वेट है सुपरनेटेड, तो उसको रिवर में डाला जाता है. और जो अब ये फ्लॉक्स है ये किसका काम कर रहे हैं, ऐसा एक्टिवेटेड स्लज. तो जो अब हमको इसको एक्टिवेटेड स्लज मिला है इसके अंदर, इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर, उसको हम पास करते हैं टर्शियरी ट्रीटमेंट में. तो देखो, दिस माइक्रोब कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट एंड दिस रिड्यूसेस बीओडी. बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ इफ्लुएंट. तो बीओडी क्या रहता है, ये समझ में आता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज द ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर एट अबाउट 20 डिग्री. तो क्या होता है, ये वाटर है देखिए और ये दूसरा वाटर है. सपोज इन दोनों वाटर में इक्वल नेचुरल माइक्रोफ्लोरा है, मतलब इसके अंदर फ्लोरा और फ्यूना ठीक है. पर जब अगर मैं सपोज यहाँ पर क्या करूँगा, इस बीकर के कंपेरिजन में यहाँ पर अगर मैं अलगी या कोई इम्प्यूरिटी डाल रहा हूँ, तो अब इसको डीकम्पोज करने के लिए माइक्रोब क्या करते हैं, इस वाटर में ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ करेंगे, इधर नहीं करेंगे क्योंकि इधर इम्प्यूरिटी नहीं है. तो ऑक्सीजन अगर ज़्यादा यूज़ किया तो इसके अंदर की जो लाइफ है फ्लोरा और फ्यूना है वो अफेक्ट होगा, पोल्यूशन बढ़ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी. जिस भी वाटर के अंदर ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी है तो वहाँ के माइक्रोब उस इम्प्यूरिटी को डीकम्पोज करने के लिए ज़्यादा अमाउंट का ऑक्सीजन यूज़ करते हैं वाटर से. तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और अंदर की लाइफ क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, उसी को कहा जा रहा है बीओडी. और ऐसा केमिकल का हुआ तो उसको कहा जाता है सीओडी. तो इट इज़ अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच इज प्रेजेंट इन द वाटर. जितना ज़्यादा बीओडी उसका मीनिंग होता है उतना ज़्यादा पोल्यूशन, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड. जैसे देखिए हम बाहर घूमते हैं
तो बाहर अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बढ़ गया मतलब ऑक्सीजन का क्या होगा? कम, क्योंकि एक अगर सपोज एक रूम में 100 पीपल को रखे तो अब उस रूम की कंडीशन आफ्टर 2 आवर 3 आवर 4 आवर क्या होगा? लेस CO2 मोर O2, तो ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो वैसा ही होता है वाटर के अंदर भी, अगर वहाँ पे इम्प्यूरिटी कुछ है तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन उस ऑर्गेनिक मैटर का करने के लिए जब माइक्रोब करेंगे तो ऑक्सीजन यूटिलाइज करेंगे तो BOD बढ़ जाएगा वहाँ पर। तो ये ऐसा होता है। देखिए नेक्स्ट, अब ये बायोलॉजिकल मेथड, अभी बोला था कि वहाँ पर एरोबिक ट्रीटमेंट मतलब ऑक्सीजन वहाँ पर यूज होगा, तो ये जो इन्फ्लुएंट है एरिएशन टैंक है, एयर पास करता है, फिर फाइनली यहाँ पर सेटलिंग टैंक है और एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज किससे प्रोड्यूस हुआ थी हमको पता है कि जहाँ पर हमने मेश लाइक स्ट्रक्चर देखा था, मेश लाइक स्ट्रक्चर, तो वहाँ से ये एक्टिवेटेड स्लज प्रोड्यूस होगा। तो अब क्या होता है, देखो एक्टिवेटेड स्लज इज टेकन टू द अनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, ये जो रहता है इसको लिया जाता है, अनारोबिक पास करेंगे आगे, अनारोबिक इसको पास करेंगे हम अनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, स्लज डाइजेस्टर वहां पर इसको डाला गया और फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर अनारोबिक माइक्रोब इसके ऊपर ऐड करना स्टार्ट करते हैं। सो द इफ्लुएंट पास टू द सेटलिंग टैंक वेयर द बैक्टीरिया फ्लॉक्स सेडिमेंट इज देयर, दैट सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। और जब ये देखिए ये एक्टिवेटेड स्लज प्रोड्यूस हुआ, कहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था? ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। अब इसको पास कहाँ पर करें हम? अनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में मतलब टर्शरी ट्रीटमेंट में। तो अब पूरे के पूरा ये एक्टिवेटेड स्लज टर्शरी ट्रीटमेंट में नहीं डालते, इसका कुछ पार्ट क्या करते हैं वापस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूज करते हैं एज ए इनोकुलेशन, क्योंकि वहाँ पर और एरोबिक माइक्रोब की जरूरत पड़ेगी तो इसके अंदर एरोबिक है तो इसको वापस इधर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं और बाकी रिमेनिंग पार्ट आगे डाल देते हैं फॉर टर्शरी ट्रीटमेंट, जहाँ पे अनएरोबिक कंडीशन रहेगी, अनएरोबिक माइक्रोब उस वेस्ट वाटर को डीकम्पोज करने के लिए काम को आएंगे। तो यहाँ पे ये शॉर्ट में याद रखिए जो बोल रहा हूँ मैं, प्राइमरी में क्या हुआ? ऑनली फिजिकल प्रोसेस, जहाँ पे क्या किया, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन है और सेडिमेंटेशन है। तो इसके बाद जो रिमेनिंग वाटर था मतलब उस जो इम्प्यूरिटी में से जो वाटर था वो हमने पास किया सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने यहाँ पर क्या किया, माइक्रोब को यूज़ किया। कौन से माइक्रोब? जो एरोबिक थे, ऑक्सीजन यूज करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, डीकम्पोज किया और उन्होंने बनाया फ्लॉक जिसके अंदर बैक्टीरिया और फंगाई दोनों मिलके स्ट्रक्चर बना रहे थे, मेश लाइक स्ट्रक्चर, उसको कहा गया फ्लॉक। और ये फ्लॉक जब सेडिमेंट हो रहा था तब इससे क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्टिवेटेड स्लज। इस एक्टिवेटेड स्लज को कहाँ पर पास किया हमने, टर्शरी ट्रीटमेंट में, और वहाँ पे कौन से माइक्रोब यूज कर रहे हैं हम, अनारोबिक माइक्रोब। और ये जो अनारोबिक माइक्रोब्स है ये क्या करेंगे, इसको डीकम्पोज करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे बायोगैस, मतलब CH4 प्रोड्यूस होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है। तो ये होगा। तो यहाँ पर याद रखिए प्राइमरी सेटलिंग टैंक, फिर इसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। तो ये यहाँ पर दिख रहा है स्लज डाइजेशन, ड्रायर, ड्राई स्लज फिनिशर, और लास्ट को प्रोड्यूस होगा मिथेन गैस। मिथेन गैस, बायोगैस, क्लार गैस, क्लारो क्लार गैस, मार्श गैस, सीवेज गैस, स्लज गैस, तो ये डिफरेंट नेम है मिथेन के। तो रिमेनिंग स्लज इज देन पास इनटू द एरिएशन टैंक कॉल्ड एज अनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। और अनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा, अब डाइजेस्ट करेगा उस ऑर्गेनिक मैटर को। अब अनारोबिक मतलब हमको पता है कौन कौन रहता है, यहाँ पर मिथेनोजन रहेगा, वो एसिटोबैक्टर एसिड ये अरोबिक है, ये मिथेनोकॉकस जो बैक्टीरिया वो अनारोबिक है। तो ये क्या करेगा, डीकम्पोज करेगा उस ऑर्गेनिक मैटर को और प्रोड्यूस करेगा CH4, H2S और CO2, एंड दिस गैसेस विल फॉर्म द बायोगैस। और जो इफ्लुएंट था उसको रिलीज करते हैं नेचुरल वाटर बॉडीज में लाइक रिवर्स और स्ट्रीम में। तो ये जो ये दिख रहा है ना आपको, ये है ट्रिकलिंग फिल्टर, दिस इज ट्रिकलिंग फिल्टर, जो नाम था मैंने बोला था आपको बताऊं, ट्रिकलिंग फिल्टर। ये उत्तर प्रदेश का एक केस है तो उसके अंदर का मैंने फोटोग्राफ यहाँ पर लिया था। तो यहाँ पर देखिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिख रहा है आपको, एरिएशन ये सब होगा। तो ये याद रखिए कि टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है। तो टर्शियरी ट्रीटमेंट जो होती है वो होती है फिजियो केमिकल प्रोसेस, जिसके अंदर क्लोरीन गैस को भी यूज़ किया जाता है। इधर लिख देता हूँ मैं ताकि आपको याद रहे। देखिए टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या हो, टर्शियरी ट्रीटमेंट
सेकंड ट्रीटमेंट तक समझ में आया क्या प्रोड्यूस हुआ था? एक्टिवेटेड स्लज, जिसको हमने टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए यूज किया। तो ये ट्रीटमेंट जो है इसको कहा जाएगा फिजियो केमिकल मेथड, मतलब फिजिकल मेथड भी है और केमिकल मेथड भी है, तो दोनों भी यूज कर रहे हैं हम। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम यूज कर रहे हैं क्लोरीन गैस, उसके बाद जिरकोनियम को यूज कर सकते हैं, जिरकोनियम, ओजोन गैस, परक्लोरेट सॉल्ट, परक्लोरेट सॉल्ट, यूवी रेस, उसके बाद रिवर्स ओस्मोसिस आरओ, तो ये सब यूज कर सकते हैं एक्सेट्रा। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमको हार्मफुल उसके अंदर की चीजें निकालने की, टू रिमूव डीडीटी, पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड, पैथोजन, टर्बिडिटी, ये सब रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। तो ये कब यूज करते हैं? जनरल ये पूरे मेथड तब यूज करेंगे जब हमको इस वाटर का ट्रीटमेंट करना है और इस वाटर को फ्रेश करके डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करना है, तब, फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तो इसके लिए ये सब करना पड़ेगा। तो याद रखिए, टर्शियरी ट्रीटमेंट में हम एनारोबिक माइक्रोब को यूज करें और सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वहां पर हम एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करें। तो याद रखना, एनारोबिक में क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक मैटर दिख रहा है हमको, ऑर्गेनिक मैटर, इसके ऊपर कौन कौन करेगा एक्ट? डीकम्पोजर ऐड करेंगे, जैसे एसिटोबैक्टर, एसिटी भी आएगा, एसिटोबैक्टर, एसिटी, और उसके बाद मिथानोकॉकस और मिथानोजन जिनको बोलेंगे। तो ये ऐड करके क्या प्रोड्यूस करेंगे वहाँ पर? CH4, H2O, H2S भी प्रोड्यूस होगा। तो ये गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, H2S, H2O, H2O नहीं, H2 बोलेंगे हम, H2S प्रोड्यूस होता है। तो ये सब गैसेस प्रोड्यूस होते हैं और ये मीथेन गैस को हम यूज कर सकते हैं एज अ बायोफ्यूल, ये फ्यूल है तो पता होगा। तो इतना याद रखना इसके अंदर, क्योंकि अभी देखिए हमारे इंडिया के अंदर अगर रिवर देखें, बहुत ज़्यादा कुछ रिवर्स पोल्यूटेड थे, तो इसी के वजह से, क्योंकि नियर बाय कोई इंडस्ट्री और वो अगर अपना पूरा वेस्ट अगर रिवर के अंदर इंट्रोड्यूस करे तो वो हार्मफुल रहता है। इसलिए क्या हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था, देखिए रिवर एक्शन प्लान, रिवर एक्शन प्लान। तो 1985 में, 1985 86 के अराउंड वेरी फ्यू सिटीज एंड टाउन के अंदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था। तो म्यूनसिपल वेस्ट वाटर जो था वो डायरेक्टली डिस्चार्ज कर रहे थे रिवर में, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा था। तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम सीवेज पोल्यूशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट थी, इन्होंने इनिशिएशन लिया डेवलपमेंट की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की अंडर नेशनल रिजर्वेशन, नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और फिर बाद में किया गंगा एक्शन प्लान। तो ये बोला जाता है GEP, गंगा एक्शन प्लान। ये याद रखें, ईयर भी याद रखना है यहाँ पर, 1986, 85-86 बोला है, और फिर बाद में यमुना एक्शन प्लान, किसने इसका नाम याद रखे, नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये नाम याद रखिए। तो यहाँ तक ये याद रखना है। ये और देखिए फ्लो चार्ट बनाए कि जिससे आपको और इजी रहेगा। प्राइमरी फ्लूएंट, फिर उसको पास करना एरिएशन टैंक में, यहाँ पे कांस्टेंट एजिटेशन करने का, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ऐड होगा। फिर बाद में एरोबिक माइक्रोब को हमने यूज़ किया फ्लॉक कंज्यूमर के लिए, ऑर्गेनिक मैटर बीओडी को कम करेगा। फिर इनोकुलम, ये वापस डालना पड़ेगा एरोबिक माइक्रोब, इफ्लुएंट्स इन सेटलिंग टैंक फॉर टू द नेचुरल वाटर बॉडीज। फिर इसके बाद एरोबिक अनएरोबिक स्लश डाइजेस्टर, ये कहाँ पर आ रहा है, टर्शियरी ट्रीटमेंट में, ये प्राइमरी है, एरिएशन हुआ, ये हुआ, एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म जहाँ पर यूज किया वहाँ पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, यहाँ पर है टर्शियरी। तो ये याद रखना, पहली प्रोसेस जो थी वो फिजिकल थी, दूसरी जो थी वो बायोलॉजिकल थी, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और टर्शियरी क्या थी, फिजियो केमिकल। फिर बाद में इससे प्रोड्यूस हुआ बायोगैस। ये है पूरा ओवरफ्लो जो दिखाई दे रहा है, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। तो ये आपको दिखाएंगे, दिखाई देंगे, सिटी से थोड़ा दूर होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत बैड स्मेल भी आता है।
तो सीवेज ट्रीटमेंट में ये अभी मैंने बोला, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने स्टार्ट किया है गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान 1986 में, टू सेव द वाटर पोल्यूशन। तो इसके लिए देख रहे हैं आपकी ये जो प्लेस है, ये है हर की पौड़ी, हर की पौड़ी हरिद्वार। ये पानी देखो बहुत अच्छा होता है, पर यहाँ पर इन लोगों ने इस सबको इम्प्योर कर दिया। ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये पर्सन इतने गंदगी में नहाने गया, पता नहीं किसको क्या अच्छा लगा। तो यहाँ पर ये पूरा वेस्ट है, ये ऐसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो रिवर्स है ये सब है, ये सब हमारा है, और हमारा यानी कि ये राइट्स है कि इसको अच्छा क्लीन रखना चाहिए, इसके अंदर इम्प्योरिटी नहीं करना चाहिए। और इम्प्योर करने वाले कौन है, हम ही में से कुछ लोग हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, रिवर के अंदर कुछ भी नहीं फेंकना चाहिए, तो ये ज़रूरी है।